गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। हमारे एग्जाम्स में नदियों के बारे में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए भारत की वे नदियाँ जिन पर अब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में वीडियो इस स्टडी चैनल पर आने वाला है। इनमें से एक महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी के बारे में एक वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, तो जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किंग जॉर्ज द्वीप पर किस देश ने नए अंटार्कटिका वैज्ञानिक अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। हाल ही में 15 जनवरी 2020 को किंग जॉर्ज द्वीप पर ब्राज़ील ने अंटार्कटिका वैज्ञानिक अड्डे का उद्घाटन किया है। इस वैज्ञानिक अड्डे में 17 प्रयोगशालाएं हैं जो सूक्ष्म जीव, मानव शरीर विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करेंगी। चूंकि यह बात ब्राज़ील की हुई है, तो आइए जानते हैं ब्राज़ील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? इसका उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट में आने वाले वर्ष में होने वाले प्रमुख जोखिमों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। यानी हाल में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि यह बात पश्चिम बंगाल की हुई है, तो आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 249 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, कृषि मंच का पहला संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा गुजरात। 16 जनवरी 2020 को गुजरात में कृषि मंथन का पहला संस्करण का शुभारंभ हुआ है। यह IIM अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है तथा यह एशिया का सबसे बड़ा खाद एवं कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें छात्रों और शिक्षाविदों सहित 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा गुजरात। यानी हाल ही में गुजरात में 7वीं आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से की जा रही है। चूंकि यह बात गुजरात की हुई है, तो आइए जानते हैं गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गुजरात के CM विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और गुजरात के लोकसभा में सीटों की संख्या 26 है। अगला प्रश्न है, ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। ब्रू समुदाय त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले शरणार्थी हैं और हाल ही में भारत सरकार ने त्रिपुरा में लगभग 30,000 से अधिक ब्रू शरणार्थियों को बसाए जाने का निर्णय लिया है। ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपये का सावधि जमा और 5,000 रुपया भी प्रति माह मुहैया कराया जाएगा। चूंकि यह बात त्रिपुरा की हुई है, तो आइए जानते हैं त्रिपुरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश वैस हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव हैं। त्रिपुरा के विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। इससे पहले NBT के निदेशक रीता चौधरी थी और अब लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को NBT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। युवराज सिंह इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उन्होंने कई मंत्रालयों में भी कार्य किया है। आइए जानते हैं NBT के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। NBT का फुल फॉर्म होता है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और अब इसके निदेशक युवराज मलिक को बना दिया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और हाल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा वासुदेव मोही।
वासुदेव मोही द्वारा लिखी गई लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट अवेला। इससे पहले माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट थे और अब रॉबर्ट अवेला को माल्टा का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। चूँकि यहाँ बात माल्टा की हुई है तो आइए जानते हैं माल्टा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। माल्टा की राजधानी वालेटा है। माल्टा की मुद्रा यूरो है। माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेला हैं और अब माल्टा का नया प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला को बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका उत्तर होगा गोवा। हाल ही में गोवा के पणजी में साइंस फिल्म फेस्टिवल साई फी 2020 का शुभारंभ हुआ है। यह 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2020 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, IUPC ने किसे अपना नया ब्यूरो सदस्य चुना है? इसका उत्तर होगा विपुल बिहारी साहा। विपुल बिहारी साहा IUPAC के 2023 तक ब्यूरो सदस्य बने रहेंगे। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले CN राव IUPAC का ब्यूरो सदस्य रह चुके हैं। चूँकि यहाँ बात IUPAC की हुई है तो आइए जानते हैं IUPAC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाल में इसके सदस्य कुई फेंग झोउ हैं जो चाइना के रहने वाले हैं। इसका मुख्यालय उत्तरी कैरोलिना में स्थित है जो US में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और IUPAC का मोटो है एडवांसिंग केमिस्ट्री वर्ल्ड वाइड। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए किसे क्वींस काउंसिल नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा हरीश साल्वे। 16 मार्च 2020 को हरीश साल्वे जो भारतीय मूल के हैं क्वींस काउंसिल यानी महारानी एलिजाबेथ का वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। हरीश साल्वे LLB विश्वविद्यालय नागपुर से पढ़ाई की है और वे दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य हो गया है जिसने प्राकृतिक संरक्षण हेतु इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ समझौता किया है। आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो का PDF फाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे सभी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।